झारखंड में अवैध खनन मामले में जांच कर रही ईडी रोज नए नए खुलासे कर रही है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि रघुवर सरकार के समय प्रेम प्रकाश की कंपनी ने बिना चालान के 233 रेलवे रैक में स्टोन चिप्स भेजे थे। ईडी ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन से संबंधित अपनी चार्जशीट में बताया है कि प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा के अलावा कोलकाता के व्यवसायी संजय चौधरी और अमित अग्रवाल भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही CTS इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जहां संजय चौधरी निदेशकों में से एक हैं, वो लंबे समय से वांछित खनन चालान के बिना रेलवे के माध्यम से स्टोन चिप्स के परिवहन करने के मामले में शामिल है। ईडी ने BSCI, SVYE, ADTG और कुछ अन्य कंपनियों को भी नामित किया है, जिन्हें CTS इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी कहा जाता है।